नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि आप मौज एप्लीकेशन पर वीडियो कैसे बना सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है, इस पर आप शॉर्ट वीडियो बना के काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं, फेमस बहुत ही हो सकते हैं और जल्दी इस वीडियो बनाकर आप ग्रो भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा कि आप कैसे इस पर वीडियो बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों पूरा प्रोसेस सीखने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो दोस्तों हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि मौज एप्लीकेशन पर आप वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये जो वॉलपेपर मेरा दिख रहा है, अगर ऐसा वॉलपेपर आप लगाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैंने इस पर वीडियो बना दी है और मैं पब्लिश भी कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मौज एप्लीकेशन को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को अकाउंट बनाने के बारे में बता दिया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से अकाउंट बना है। अब आपको वीडियो बनाने के लिए आपको ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, अलाउ कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ पर जैसे अलाउ कर देते हैं तो यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिए, कैमरे को इनेबल कर दीजिए, इसको भी परमिशन दे दीजिए। ये देखिए कैमरा यहाँ पर ऑन हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ये देखिए लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर मैं फ्लिप करके बैक कैमरा ऑन कर लेता हूँ क्योंकि बैक कैमरे से काफ़ी अच्छे से यहाँ पर मैं समझा पाऊँगा आपको। तो यहाँ पर मैं फ्लिप कर लेता हूँ, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे दोस्तों मैंने फ्लिप कैमरा कर लिया, यानी कि यहाँ से आप फ्लिप करेंगे तो कैमरा फ्रंट हो जाता है, यहाँ से करेंगे तो बैक कैमरा हो जाएगा। तो ये मैंने बैक कैमरा कर लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 2x 3x तक स्पीड ले जा सकते हैं, लेकिन मैं 1x रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्यूटी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी ब्यूटी वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यूट फेस है, स्माइल फेस है, लॉन्ग फेस है, और यहाँ पर दोस्तों स्किन शाइनिंग है और आपको स्किन वाइटनिंग है। इस तरीके से मतलब आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं इसमें। स्किन पॉलिशिंग है, यहाँ पर स्किन पॉलिश भी कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों और भी सारे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे लॉन्ग फेस है मतलब आप फेस को लंबा कर सकते हैं, बिग आइस है, लोअर जा है, बिग आइस है, थिन नॉइज़ है, माउथ विद है। इस तरीके से जो बहुत सारे ऑप्शन आते हैं इसको आप यूज कर सकते हैं ब्यूटी के हिसाब से, और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर पर आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखिए वीट बर्टी हॉट, इस तरीके से आप जो भी फिल्टर आप यूज करेंगे उस हिसाब से यहाँ पर ये देखिए कैमरा जो है उस तरीके से बन जाता है। तो यहाँ पर जो भी फिल्टर यूज करना हो तो आप फिल्टर यूज कर लीजिए। फिर उसके बाद इफेक्ट पे आएंगे, पाँचवें नंबर पे इफेक्ट। इफेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब कोई वीडियो आप शूट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देता है। जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक के साथ वीडियो जब डालेंगे तो इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे इफेक्ट आप देखने को मिल जाते हैं, जैसे ये देखिए घोस्टिंग वाला इफेक्ट है और ये ब्लर वाला इफेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये ब्लर वाला इफेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फैंटम वाला इफेक्ट है, जो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है आप बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कई सारे इफेक्ट हैं, तो आप इफेक्ट कोई भी यूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये वाला इफेक्ट मैं यूज करूँगा तो ये काफ़ी अच्छा है। इसके बाद यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ इफेक्ट मैंने यूज कर लिया है। अब यहाँ ये टाइमर, तो टाइमर मतलब कितने सेकंड का आप बनाना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 15 सेकंड का भी बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप 60 सेकंड तक बना सकते हैं, तो 15 सेकंड का ये भी बनाना चाहता हूँ मैं। फिर उसके बाद टाइमर हो गया, ये फ्लैश अगर आपको ऑन करनी है तो फ्लैश ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश ऑन ऑफ है, तो यहाँ पर मैं फ्लैश ऑन ऑफ रहने देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साउंड का ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे साउंड का ऑप्शन आ जाता है। तो साउंड यहाँ से आप ले सकते हैं, कोई भी साउंड आप लेना चाहें लाइब्रेरी से ले सकते हैं, लोकल जो आपकी गैलरी में है अगर वहाँ से लेना चाहते हैं, या कोई फेवरेट। तो लाइब्रेरी में जाके मैं कोई एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए
ये टेम्पल बेल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे और इस टेम्पल बेल वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं टेम्पल बेल यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेस करना है और ये वीडियो यहाँ पर आपका बनना रेडी हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि आपका वीडियो जो है वो बनना रेडी हो गया। और यहाँ पर तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली, और आप अपने हिसाब से इस वीडियो को ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए पूरा ये हो गया, क्रिएटिंग वीडियो लिख के आने लगा। ये इस तरीके से आपका वीडियो जो है वो क्रिएट हो गया है। अगर आप फ्रंट कैमरा से बनाना चाहते हैं तो आप फ्लिप कर क्लिक करके फ्रंट कैमरा से आप बना सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फिल्टर इफ़ेक्ट्स, अगर वॉइस अलग से कोई आपको डालनी है तो ये वॉइस का यहाँ पे ऑप्शन आता है। अब स्पीड है, साउंड अगर आपको कोई चेंज करना है तो यहाँ से देख सकते हैं, साउंड अभी भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो जैसे मान लीजिए ये वाला मैं साउंड यहाँ पे अब लगा लेता हूँ, तो इस तरीके से साउंड अगर कभी कभी मन होता है तो चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से ऑडियो ट्रिम भी कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस पर क्लिक करके आप ऑडियो ट्रिम कर सकते हैं अपने हिसाब से। स्पीड को अगर घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन स्पीड में स्लोवर है, यहाँ फास्टर है, और रिवर्स अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग नहीं रिवर्स बनाते हैं तो रिवर्स वाला भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से रिवर्स में क्लिक करके आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे रिवर्स वाला क्लिक कर लिया, इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं, स्पीड कंट्रोल को ओके पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद ये स्पीड कंट्रोल अपने हिसाब से कर लेता है। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन एक आपको देखने को मिल जाता है, देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इस टेक्स्ट पर क्लिक करके आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, तो जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया यहाँ पे टेक्स्ट पे और इस तरीके से क्लिक कर दिया, और आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, एंगल भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्लिक कर लिया, क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों इफेक्ट स्टीकर का ऑप्शन भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टीकर आपको लगाना है, स्टीकर पसंद आ रहा है या म्यूजिक है इसे लिखना है तो स्टीकर लगाना है, ये स्टीकर लगाना है, कोई भी लगा सकते हैं। तो ये मुझे ये वाला स्टीकर काफ़ी मस्त लग रहा है तो ये स्टीकर मैं लगा लेता हूँ। और लगाने के बाद ये पूरे में अगर करना है तो पूरे में आपको ऐसे खींच के लाना होगा, ऐसे खींच के आपको पूरे में करना होगा। अगर आप पूरे में लगाना चाहते हो तो इसे खींच के आपको करना है, कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फूल भी हो गया। अभी इस प्ले करके देखते हैं, ये देखिए फूल भी हो गया इस तरीके से यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे हो गया, और आपका लास्ट में नाम भी आपका लिख के आ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों आपको करना है क्या, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको फिल्टर इफेक्ट अगर लगाना है तो लगा दीजिए। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये लोडिंग लेने लगेगा, मतलब अपलोड होने लगेगा, और जैसे ही 100% अपलोड क्लिक हो जाएगा तो 100% पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये 100% लगभग कंप्लीट हो गया, और ये वीडियो यहाँ पर सेव टू डिवाइस, अगर आप डिवाइस में सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं सेव डिवाइस में नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, तो फिलहाल मैं लिख देता हूँ अपने चैनल का नाम ही, और कुछ मैं नहीं लिखूँगा। फिलहाल आपको कुछ भी लिखना तो लिख दीजिए, AKG माइंड ग्रुप मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर हैशटैग्स का यूज कर सकते हैं आप, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हैशटैग्स का यूज कर सकते हैं, और आप जो है इस तरीके से हैशटैग का यूज कीजिए। और फिर उसके बाद क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कर देंगे, क्रिएट पोस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए पोस्ट आपकी हो गई है। थोड़ी देर बाद यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगी पोस्ट आपकी अपलोड हो रही है, और ये थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये देखिए पोस्ट आपकी अपलोड हो गई है। अब यहाँ पर वीडियो अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका ये वीडियो जो है वो बनके रेडी हो गया। तो है ना दोस्तों ये कमाल का एप्लीकेशन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे मौज एप्लीकेशन पर वीडियो बना सकते हैं।